जय हिंद दोस्तों। दोस्तों 4 जुलाई मोहन भागवत जी का भाषण, आरएसएस प्रमुख सर संचालक मोहन भागवत जी का भाषण, और उस मोहन भागवत जी के भाषण को लेकर आज के दिन जिस तरीके से कंट्रोवर्सी, उठा पटक, शोर शराबा लगातार चल रहा है, टीवी डिबेट्स लगातार हो रही हैं, तो मैंने सोचा मैं भी इस मामले में अपना एक पक्ष रखूं जिसके अंदर मुझे आरएसएस की बड़ी पॉलिसी, बड़ी चाल नज़र आ रही है। तो इस चीज़ को हम पूरा ढंग से समझेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन ये दोस्तों कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक रामबाण हमारे पास सॉल्यूशन है, जीरो टू हीरो सीरीज। इस जीरो टू हीरो सीरीज के अंदर हम आपको एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे लेवल पर क्लियर करवाएंगे, ताकि आप पीटी और मेंस को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। पीटी की लगभग 100% प्रिपरेशन और मेंस की लगभग 40% प्रिपरेशन आपकी इस जीरो टू हीरो सीरीज में ही हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सारे के सारे इसी में सॉल्व करवाए जाएंगे, तो आपको वैसे भी टेंशन होने वाली नहीं है। अब रही बात फीस की, तो दोस्तों इसकी जो फीस है वो हमने बहुत ही नॉमिनल 500 रुपीज पर मंथ रखी है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉकेट के ऊपर दबाव भी नहीं पड़ेगा, इन दोनों दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए, और इसके ऊपर जो भी कॉल, मतलब इन दोनों नंबर्स के ऊपर कॉल करके अपना रिस्पॉन्स दे, मतलब मिस कॉल भी कर देंगे तब भी हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अब आ जाते हैं हमारे जो सरसंघ आरएसएस संचालक हैं, आरएसएस प्रमुख हैं, जो शॉर्ट में आरएसएस प्रमुख कह दिया जाता है, मोहन भागवत जी। उन्होंने 4 अगस्त को मुस्लिम जागरण मंच के अंदर, 4 जुलाई को मुस्लिम जागरण मंच के प्लेटफॉर्म पे एक भाषण दिया, और उस भाषण के अंदर जिस तरीके से मोटी मोटी बातें कही वो मैं आपके सामने पिछले वीडियो के अंदर रख चुका हूँ, और उसमें आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, स्नेह मिला, उसके लिए थैंक यू। अब यहाँ सवाल ये है कि उन्होंने जो मोटी मोटी बातें की उसके अंदर एक बॉटम लाइन ये थी, और इस बॉटम लाइन के अंदर पूरी जो आरएसएस की पॉलिसी है वो जो दिखाई दे रही है वो डिस्कशन करते हैं। बॉटम लाइन ये कि हिंदू मुसलमानों के सबके पूर्वज समान हैं, हिंदुस्तान की भूमि पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, हमारे पूर्वज समान हैं, और गौ माता वगैरह का जो भी कंसेप्ट है वो आपको यहाँ हम बताते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रही हैं। और दोस्तों असलियत में मामले को समझिए है क्या, असलियत में यहाँ इंडिया और पाकिस्तान, मतलब इंडिया का अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त लेवल पर रिलीजियस डिवाइड है। अब असलियत में ये जो रिलीजियस डिवाइड है यानी धार्मिक विभाजन है, इसे अगर आप देखेंगे तो ये धार्मिक विभाजन इस हद तक है कि हमारे यहाँ चाहे रायट्स हो जाएं, चाहे हमारे यहाँ कल्चर हो जाए, और हर चीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा डिवीज़न इस डीप लेवल तक कर रखा है कि असलियत में अब समझ में आना बंद हो चुका है कि क्या हिंदू मुसलमान, बहुत से लोगों का ये विश्वास है कि क्या हिंदू मुसलमान एक रह सकते हैं, बहुत से मुस्लिम्स को ये विचार आना शुरू हो चुका है शायद कि क्या हिंदुस्तान में रहकर उनके पुरखों ने गलती करी, या बहुत से हिंदुओं को ये विचार आना शुरू हो चुका है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनको जो बसने दिया गया वो क्या सही था, या क्या एक और, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी, छोटा ओवैसी जो है सबसे निकम्मा, तो मुझे वही लगता है इन सब में, छोटा ओवैसी जिस तरीके से मंच पे खड़ा होकर ये कह रहा है कि एक हिंदुओं की तरफ से शोर आता है कि किराएदार हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दिया, अब तो तुम किराएदार हो, और दूसरी तरफ से जो ओवैसी ब्रदर्स में से छोटे वाला है वो शोर मचा रहा होता है कि पहली बात तो हम मालिक हैं, किराएदार नहीं, और अगर किराए जाएंगे तो कम से कम लाल किला और कुतुब मीनार और ताजमहल लेकर जाएंगे। अब सवाल ये है, इसका मतलब वो बंदा हैदराबाद खाली करके जाएगा, यानी वो वहाँ से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और सब चीज़ें छोड़ के जाएगा? ये बंटवारे की राजनीति है, जब एक बंदा दूसरे को किराएदार कह रहा है और दूसरा कह रहा है कि बेटा अब की बार जाऊँगा ना तो इतना और टुकड़ा लेके जाऊँगा, फिर तो कुछ भी कर लियो। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से बयानबाजियाँ होती हैं, एक बार को लगने लगता है कि एक कहीं ना कहीं वन मोर पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक प्लेस, या गोइंग टू टेक बर्थ, एक और पाकिस्तान जो है वो बनने जा रहा है। और ये जब डर आता है, ये जब बात आती है, तो डर हमारे दिमाग में
उबलने लगता है और इस तरीके से कब, क्योंकि हमने किताबें पढ़ी हैं, चाहे मिडनाइट चिल्ड्रंस हो गई, चाहे फ्रीडम एट मिडनाइट हो गया, चाहे कितने पाकिस्तान जैसी किताबें, इस तरीके की बहुत सारी किताबें जो हैं जो हमारे पार्टीशन को बताती हैं और एक एक मुद्दे को जिस तरीके से डिवाइड करके हमारे सामने रख, मतलब बारीकी से रखती हैं, तो कप कपी छूट चुकी होती है कि लाशों से भरी ट्रेनें जब एक देश से दूसरे देश भेजी जाती थी और लाखों बंदे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुए, करोड़ों की संख्या में ट्रांसफ़र हुए और लाखों औरतों के रेप हुए और सब चीज़ें, तो दिमाग सिहर उठता है, डर उठता है। और ऐसे में जब ये बयान आते हैं तो यहाँ वो जो टू नेशन थ्योरी जिसके आधार पर जिन्ना ने पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान मांग लिया, तो वो सही होती हुई नज़र आती है, क्योंकि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद जब मॉब लिंचिंग की बात होती है और जय श्री राम के नारे के नाम पर एक लड़के को मारा जाता है, और उसके बाद हमारे पॉलिटिशियंस जो जाहिलियत की हद पार कर देते हैं, राजनीतिक नंगेपन की हद पार कर देते हैं, जब एक के घर में अगर मुआवजा देना हो तो वो मुसलमान होगा तो उसके घर जाके चेक दे के आएंगे, केजरीवाल जैसे नंगेपन की बात कर रहा हूं मैं, और जब किसी को हिंदू होगा तो उसके घर जाएंगे भी नहीं। ये पॉलिटिक्स की बात बता रहे हैं, या पॉलिटिक्स की ऐसी सिचुएशन में सोच कर देखिए, इसी को डिविजिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। यही डिविजिव पॉलिटिक्स है, यही बांटने की राजनीति है, जिसके अंदर केजरीवाल जैसे, ओवैसी जैसे जो नेता हैं, वो खुलकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को के साथ खड़े होने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं दूसरा पक्ष टोपी पहनने से जब मना कर देता है, चादर ओढ़ लेता है, टोपी पहनने से मना कर देता है, और जिस तरीके से टोपी पहनने से मना करता है और ये कहता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जा का रहा है। अब ऐसे में जब ये सारी डिविजिव पॉलिटिक्स हो रही होती है, तो ऐसे में मोहन भागवत, जो इंडिया के क्या दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप या सबसे बड़े नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, या यूं कहें कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, और वो एक भाषण देते हैं, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हुए नज़र आते हैं, और इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी में वो असलियत में जो एक लाइन कहते हैं कि आवर एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड इज सेम, हमारा जो एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड है, हमारे जो पुरखे हैं वो समान हैं, तो असलियत में जो पुरखे समान हैं, इसका मतलब क्या है और इसके कहने के पीछे का रीज़न क्या है, अब उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दो चीजें समझ लीजिए, एक बेसिक पार्ट है रिलीजन और दूसरा बेसिक पार्ट है सोसाइटी। एक बेसिक पार्ट रिलीजन यानी धर्म है और दूसरा पार्ट है सोसाइटी। ये जितना भी कलेश हो रहा है, ये धर्म और समाज के बीच के अंदर डिफरेंस क्रिएट ना कर पाने का हो रहा है, लेकिन इसके पीछे एक तीसरा पार्ट और है जिसे हम समझ नहीं पा रहे, और वो जो तीसरा पार्ट है, वो जो थर्ड पॉइंट है, वो असलियत में है कल्चर। ये तीन अलग अलग चीजें हैं, तीनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो हमारे को पूरी पॉलिटिक्स और आरएसएस की जो पॉलिसी है वो समझ में आ जाएगी। अब समझिए, असलियत में रिलीजन यानी धर्म क्या है। अगर आप इसे धर्म को मोटे तौर पर देखेंगे, तो मैं हिंदू धर्म वाले धर्म की बात नहीं कर रहा कि पितृ धर्म, मातृ धर्म, पुत्र धर्म और सारे धर्म, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं यहां पर स्पेसिफिकली धर्म ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हैविंग द मीनिंग ऑफ रिलीजन, धर्म जो जिसका अर्थ क्या नाम है रिलीजन से है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पहली बात, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये एक टोटली एक इंडिविजुअल मैटर है। इंडिविजुअल मैटर का मतलब ये है कि असलियत में इंडिविजुअल मैटर का मतलब ये है कि व्यक्तिगत मामला है। इस व्यक्तिगत मामले का मतलब ये कि हम, मैं अपना धर्म क्या मानता हूँ, मेरा अपना धर्म क्या है, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है।
इसमें मैं कौन से प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों को मानता हूं और मैं कौन सी पूजा पद्धति को मानता हूं, ये मानना है। और मजे की बात, दुनिया के हर धर्म का प्रिंसिपल सेम है, दुनिया के हर धर्म के सिद्धांत सेम है, और वो यही है कि अच्छे इंसान बनो। और खासकर सिर्फ फर्क इसमें आ जाता है कि पूजा पद्धति में एक कहता है कि मैं तो मूर्ति की पूजा करूंगा और दूसरा कहता है मेरे लिए जो है वो निराकार है, निर्गुण है और निराकार है, और निराकार है तो मैं उस निराकार की पूजा करूंगा, बस फर्क इतना है। एक कहता है मेरे को इस मूर्ति के अंदर भगवान नजर आता है, यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पिताजी की फोटो आपके सामने है, आपके पिताजी की फोटो आपके सामने रखी हुई है, वो फोटो आपके पिताजी नहीं है, ये आपको भी पता है, लेकिन आपके मन में इतनी श्रद्धा उस फोटो के लिए है कि आप उसमें ही अपने पिताजी को देख पा रहे हैं, ये असलियत है। मूर्ति पूजा के पीछे का कंसेप्ट यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे आपको आपके पिताजी की फोटो दिखाई देती है, आपकी माताजी की फोटो है सामने, आपके भाई की फोटो है, बच्चों की फोटो है, वाइफ की फोटो है, गर्लफ्रेंड की फोटो है, आपको पता है वो सिर्फ फोटो है, वो आपके पिताजी माताजी या जिसको भी आप देख पा रहे हैं वो उसकी फोटो सिर्फ फोटो है, वो नहीं है। लेकिन उस फोटो का अपमान, दुनिया का कोई चाहे हिंदू हुआ चाहे मुसलमान हुआ, दुनिया का सच्चे से सच्चा कोई भी व्यक्ति हुआ चाहे हिंदू हुआ चाहे मुसलमान हुआ, वो अपने पिताजी की फोटो को अपमानित होते हुए नहीं देख सकता। यस नहीं, तो एक काम कीजिए, उस फोटो के ऊपर थूक के दिखाइए, और ज्यादा अपमानित करके देख सकते हैं तो उसके ऊपर यूरिनेट वगैरह करो या उसके ऊपर जैसा भी, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये विश्वास का मामला है। आपको उसमें एक विश्वास है कि ये मेरे पिताजी ऐसे थे और इमेजिन करने में मुझे आसानी लग रही है तो मैंने उनकी फोटो सामने रखी हुई है, वो ऐसे दिखते थे, ये इमेजिनेशन है और विश्वास है कि वो ये हैं। मूर्ति पूजा का इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, मूर्ति पूजा का इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। और यही चीज, बस इतना सा मूर्ति पूजक और जो निराकार की फॉर्म में पूजा कर रहा है उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि एक यू कह रहा है निर्गुण निराकार है और दूसरा कह रहा है सगुण साकार है, बस इतना फर्क दो के बीच में है। अपने दिल से पूछ कर देखिए और आपको पूरा सिस्टम धर्म का समझ में आ जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है। और वही हिंदू जो मंदिर जाके पूजा कर रहा है, अगर कहीं मंदिर नहीं भी हो रहा तो आंख बंद नहीं दिखाई दे रहा तो आंख बंद करके कुछ इमेजिन करने की कोशिश की तो वो असलियत में उस शक्ति को ही इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वो पूजा करता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं ये। और ये पूरा एक पर्सनल मैटर है, प्योरली पर्सनल मैटर है, और उसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने आप को कैसे सुधारें, अच्छा बनाएं, और इन सिद्धांतों के ऊपर चल के अच्छा बनाएं, धर्म ये है। लेकिन यही धर्म जो कि बहुत ही इंडिविजुअल मैटर है, बहुत ही व्यक्तिगत मामला है, इंडिविजुअलिस्टिक मैटर यानी व्यक्तिगत मामला है, ये असलियत में टूल टू पॉलिटिक्स जब होता है तो टूल टू पॉलिटिक्स में रिलीजन जो है, जो धर्म है, उसमें ये प्रिंसिपल्स तो हो जाते हैं गायब, ये जो सिद्धांत हैं वो हो जाते हैं गायब, उनका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होता, और वो पूरा धर्म स्टोरीज स्टोरीज कहानियों और सिंबल्स यानी प्रतीकों के अंदर उलझकर रह जाता है। यस, मैं धर्मांतरण के ऊपर भी एक मामला बनाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि समझिए इस चीज को कि कहानियों और प्रतीकों के अंदर पूरी मामला उलझ के खड़ा हो जाता है, पूरा मामला उलझकर खड़ा हो जाता है कहानियों और प्रतीकों के अंदर। और यहां
असलियत में बेवकूफों की एक फौज, मास नंबर ऑफ जो मैं पीपल जो हैं या फिर मासेस को खड़ा किया जाता है, और जानबूझकर मासेस को खड़ा कर अपने फेवरेबल नंबर्स में उसे लाया जाता है, फेवरेबल नंबर्स के अंदर उनको लाया जाता है, उनको बनाया जाता है। वैसा उन लोगों का धर्म से दूर दूर तक कुछ खास मतलब नहीं होता, वो अपनी जिंदगी वैसी ही जी रहे होते हैं, वो अपनी जिंदगी वैसी ही जी रहे होते हैं, बस जानबूझकर उनको अपने फोल्ड में लाकर राजनीति को नंबर की जरूरत होती है, राजनीति को संख्या की जरूरत होती है, तो उस नंबर उस संख्या को अपने पास लाने के लिए अब उनको प्रतीकों और कहानियों का इस्तेमाल करके, तलवार का इस्तेमाल करके बहला कर फुसला कर कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दिया जाता है, अपने धर्म में मिला लिया जाता है। यह एक बेसिक कंसेप्ट है जिसमें राजनीति है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़े बड़े गुरुद्वारे, बहुत बड़ी बड़ी चर्च बनाई जाती हैं, खूब ढोल ढपाले शो ऑफ किया जाता है। क्यों? ताकि इंप्रेस हो आदमी कि कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, कितना महान धर्म है, मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं, कितना महान समाज होगा। जो शामिल होने वाला है वो भी गधा है, क्योंकि वो धर्म के सिद्धांतों को जो नहीं देख पा रहा, धर्म के सिद्धांतों की जगह उस बिल्डिंग को देख के अगर धर्म में शामिल हो रहा है तो वो धर्म के अंदर शामिल थोड़ा ना हो रहा है, वो तो वहां पैसा कमाने या एक कंफर्ट ढूंढने जा रहा है, या ऐसे लोग ढूंढने उन जैसा बनने जा रहा है जैसे एक कौवा जो है वो मोर पंख लगा के मोर बनने चला गया। यस, और दुनिया के हर धर्म में ऐसा ही है, दिखावा, शो ऑफ। यहां ये लोग शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ करके अपने आप को बढ़ाई करते हैं, यानी यहां वो टारगेट करते हैं सोसाइटी यानी समाज पे। अब इस सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स क्योंकि डिविजिव होती है, और डिविजिव पॉलिटिक्स जो होती है, बांटने की राजनीति जो होती है, वो उस समाज को बांटने की कोशिश करती है। अलग अलग लाइंस पर दुनिया में हर चीज को बांटा जाता है। यस, पॉलिटिक्स बांटती है, राजनीति जो है वो बांटती है और बड़े से बड़े हिस्से को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, चंक। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिसे वो बांटना चाहती है उसके पास बुद्धि ना हो, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, और इसलिए जानबूझकर डिविजिव पॉलिटिक्स में डिफरेंसेस को आगे बढ़ाया जाता है कि हम उनसे अलग हैं। डिफरेंसेस को बढ़ाया जाता है कि हम उनसे अलग हैं, वो अलग है और मैं अलग हूं। जानबूझकर ये काम दो भाइयों के बीच में भी होता है। और कौन सी ऐसी डिविजिव पॉलिटिक्स है ये ना समझ पाए तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसने बांटने की राजनीति ना करी हो, खुद सोचकर देखिएगा। डिविजिव पॉलिटिक्स कैसे, अब यही समाज आता है और उसमें फिर एक खिचपिच शुरू की जाती है। खिचपिच क्या? सोसाइटी को बांटने के लिए रिलीजन को कल्चर को रिलीजन का नाम दे दिया जाता है, संस्कृति को धर्म का नाम दे दिया जाता है। ये सिंबल्स कहां से आते हैं? धर्म के अंदर ये प्रतीक कहां से आते हैं? धर्म के अंदर प्रतीक कभी धर्म का हिस्सा होते ही नहीं है। धर्म के अंदर प्रतीक जो हैं वो धर्म का हिस्सा नहीं होते हैं। धर्म के अंदर प्रतीक जो जानबूझकर डाले जाते हैं वो इस कल्चर का हिस्सा होते हैं, यस, संस्कृति का हिस्सा होते हैं। ये संस्कृति जानबूझकर ऐसे प्रमोट की जाती है कि असलियत में संस्कृति ही धर्म है। अब हिंदू धर्म के अंदर साड़ी को एक पार्ट ऑफ रिलीजन मान लिया गया। हिंदू धर्म में साड़ी को पार्ट ऑफ रिलीजन यानी धर्म का हिस्सा मान लिया गया। ऑब्वियस सी बात है, साड़ी धर्म का हिस्सा है या नहीं है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन साड़ी की अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे साड़ी, तो वो कल्चर का हिस्सा है। इसी तरीके से इस्लाम में बुरके को धर्म का हिस्सा मान लिया गया, लेकिन बुरका धर्म से कोई लेना देना नहीं है।
भाई अरब देशों के अंदर धूल ज्यादा अगर उड़ती है तो धूल उड़ने की वजह से वहां एक ऐसा ओवरकोट फॉर्म में पहनना जरूरी है जिससे कपड़े के मतलब मिट्टी जो है आपके कपड़े गंदे ना करे, मुंह ढकना जरूरी है ताकि मिट्टी कपड़े गंदे ना करे। वो जो बुर्का है वो केवल लेडीज थोड़ा ना पहनती है, वो जेंट्स भी पहनते हैं ताकि मिट्टी जो है वो आपके अंदर वाले कपड़े जो उन्हें गंदा ना करे, और ये नेचुरल प्रोसेस है। अब ऑब्वियस सी बात है जिस जगह पर वो धर्म ने जन्म लिया उस जगह के हिसाब से ही कपड़े पहने जाने लगे होंगे, कपड़े पहने जाते होंगे, तो वैसे ही कपड़े धर्म का जो प्रॉफिट हैं जैसे प्रॉफिट मोहम्मद हैं उन्होंने भी वही धर्म के कपड़े पहने, वही कपड़े पहने, और उन कपड़ों को जो पहना गया वही उसका सिंबल बन गए। अब गधे जो इस्लाम को मानने के लिए सिद्धांतों को नहीं समझ पा रहे उन्होंने वहां उनकी दाढ़ी को और उन कपड़ों को ही धर्म मान लिया, उन्होंने जो सिद्धांत बताए उन्होंने उनको वो धर्म नहीं माना। वही हिंदुओं के अंदर भी होता है, गधों ने धर्म जो के नाम पर वेद पुराण उपनिषद नहीं पढ़े, उन सिद्धांतों को नहीं समझा जिसके हिसाब से उनके सनातन वैष्णव और शाक्य वगैरह जितने भी धर्म हैं वो सारे के सारे अपने सिद्धांतों को मानते हैं। उन्होंने उस चोटी रखने, जनेऊ लगाने, तिलक लगाने को ही अपना धर्म मान लिया। ये गधों की फौज हर धर्म में है, ईसाइयों में भी है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यही भरी पड़ी है और खूब भरी पड़ी है। और आप देख रहे हैं इस टाइम पर भी धर्म के कन्वर्सन के नाम पर आजकल मैं गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखता हूं जय मसीह की, जय मसीह की। अरे ईसा मसीह जो थे उन्होंने मूर्ति पूजा कर्मकांड इनके खिलाफ ही तो आवाज उठाई थी, और आप अब जय मसीह की करके वही ड्रामा क्रिएट करवा रहे हो। तो ये ड्रामा क्या है? अंधविश्वास के नाम पर, अंधविश्वास और जिसे कहते हैं बरगलाने के नाम पर और जिसे कहते हैं गैर बराबरी के नाम पर प्रॉफिट मोहम्मद ने आवाज उठाई और आज उसी के नाम पर कत्लो गैरत की जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में समझिए चारों तरफ सिचुएशन को बेवकूफों की फौज से भरा जा रहा है और उसके पीछे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है इस समाज को बांटो, और समाज की एक बिहेवियर होता है। यहां आ जाते हैं धर्म, सोसाइटी को बांटने या जोड़ने के नाम पर बात की जा रही है, तो असलियत में समाज दो तरीके से चल रहा है। या तो उस समाज को वो दिखाओ जो कॉमन है, हर समाज में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा और हर समाज में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे, ये नियम है। दुनिया की हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा और दुनिया की हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा, ये समझिए। इंपॉर्टेंट है कि अगर एक सोसाइटी में कॉमन है और एक सोसाइटी में डिफरेंस है, अब आप किस चीज को हाईलाइट कर रहे हो? एक कॉमन थिंग्स, सामान्य चीजें, समानता। सोसाइटी में बहुत सारी, हर किसी में समानता भी है और कॉमन के बाद डिफरेंसेस, यानी हर किसी के अंदर विभाजन भी है यानी अंतर भी है। दो भाई हैं वो अगर एक दूसरे के बारे में इमोशनली सोच रहे हैं कि हमारे माँ बाप एक थे, खून एक है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं, छोड़ उस चीज को, आ गले लग, इकट्ठे चलेंगे, उन भाइयों के अंदर कभी बैर नहीं होगा। लेकिन वही भाई बचपन की बातों को याद कर करके, तूने मुझे वहां मारा था, तूने मुझे वहां भी मारा था, तूने मुझे वहां भी मारा था, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, तूने मेरे इतने पैसे खा लिए, तूने मेरे इतने पैसे खा लिए, तूने इधर कब्जा कर लिया, तूने उधर, यानी जो डिफरेंसेस को ध्यान रखेंगे उन दो भाइयों की कभी नहीं बन सकती घर के अंदर, एक माँ की औलाद को औलादों के बीच में भी। ये अपने घर से उठाकर देखिए, दो भाई अगर ये कह रहे हैं ना, अरे हम एक ही खून है यार, टेंशन नहीं है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, इग्नोर इट, वो घर कभी भी बंटवारा नहीं होगा जल्दी से। लेकिन जिस घर में बात होगी, भाई भाई आपस में ये बहस करेंगे, अच्छा तूने ऐसे किया था मेरे साथ, और दूसरा कहेगा तूने, यानी वो दे आर डिस्कसिंग ऑन डिफरेंसेस, दोनों के दोनों एक दूसरे से अंतर के ऊपर लड़ रहे हैं कि तू मेरे से अलग है।
और जब दोनों के दोनों इस डिफरेंस के ऊपर लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे से अंतर के नाम पर लड़ रहे होते हैं, तो यकीन मानिए उन दोनों भाइयों के बीच में हमेशा वैर द्वेष बना रहेगा, उनमें अंतर रहेगा, और यही अंतर जो है उनके घर में बंटवारा करवाएगा। भारत में भी जब बंटवारा हुआ तो यही अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेजों ने यही किया था, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों के बीच में अंतर जो था उसको डिवाइड, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया कि हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, गाय और सुअर के नाम पर, जानवरों के नाम पर हिंदू मुसलमानों को भड़काकर जानवरों के नाम पर इंसानों को काटा जाने लग गया, और धर्म से दूर करके धर्म के मतलब का उल्टा सीधा मतलब समझा के लोगों को यह समझा दिया कि हम दोनों तो एक साथ रह ही नहीं सकते। और इन लोग, ये जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू थे, अब पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनको ये समझ में आने लग गया हाँ हम तो एक थे ही नहीं। अरे मुजफ्फरनगर के अंदर जाकर देखो, आज के दिन भी उन लोगों को मुल्ला जाट कहा जाता है, क्योंकि उन सबके पुरखे कौन थे, जाट थे। मेवात के अंदर जाकर देखो, आज भी आपको हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि अपने नाम के आगे राजपूत लगाते हैं, सिंह लगाते हैं, मलिक लगाते हैं, चौधरी लगाते हैं। ये चौधरी सऊदी अरेबिया में तो नहीं है, पाकिस्तान में है, लेकिन वो भी तो हिंदू ही थे यार, अफगानिस्तान में नहीं है। यस, अब सवाल यही है, मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए वो असलियत में जो दो कम्युनिटीज सबसे ज्यादा लड़ी, एक तरफ जाट और दूसरी तरफ मुल्ला जाट, जिनके पुरखे समान लड़ पड़े और इतनी बुरी तरह लड़े कि एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के समानता को नहीं देखा, उन्होंने अपने अंतर के विरोधों को देखा। और ऐसा नहीं है, यहां पर ये जो पॉलिटिशियंस हैं, खासकर राजनेता पॉलिटिशियंस, और इसके साथ साथ इन पॉलिटिशियंस के साथ साथ अगर आप मोटे तौर पर देखोगे तो ये धर्मगुरु, धर्मगुरु में चाहे आप पंडित ले लो, मंदिर का पुजारी ले लो, पंडित तो अलग चीज होती है, पुजारी ले लो, या फिर ये उलेमा वर्ग ले लो, उलेमा काजी मुफ्ती मौलवी टाइप के जो भी है, आपको दाढ़ी वाले टीवी के ऊपर बैठे रहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों, ये कहेगा धर्म तिलक लगाने में है। भाई मैं तो ब्राह्मण फैमिली से हूं, मैं इनकी राजनीति को काफी अच्छे तरीके से समझता हूं ना, पैदा ही लोगों के बीच में हूं, कैसे कैसे ड्रामे कर रहे होते हैं कई मामलों में। तिलक लगाया करो, चोटी रखा करो, मेरे को 1,00,000 बंदों ने कहा होगा अरे यार हिंदू हो, पंडित हो, चोटी नहीं रखते। मैंने कहा मुझे एंटीना की जरूरत नहीं है, जब तक मेरे को उसका जब तक सही लॉजिक नहीं समझ में आ जाएगा मैं नहीं रखूंगा, और समझ में आ जाएगा तो भी मेरी ये इच्छा होगी मैं रखूं या ना रखूं, और मैं तब तक नहीं रखूंगा जब तक मुझे खुद के अंदर फील नहीं होगा कि हां मैं उस चोटी के रखने के सिद्धांतों को फॉलो कर पा रहा हूं। केवल चोटी रख के घूमने से मुझे कोई शौक नहीं है, उसके पीछे के सिद्धांतों को अटेन करने की जब तक मेरे अंदर कैलिबर नहीं होगा, मैं उतना पढ़ लिख नहीं जाऊंगा, तब तक मैं नहीं रख सकता। अभी मैं ज्ञान के लिए भटक रहा हूं, मेरे अंदर ज्ञान कम है। अब समझ के देखिए, पंडित क्या कहेंगे, चोटी रखो, जनेऊ पहनो, नहीं पहनता मैं जनेऊ, ठीक है, तिलक लगाओ, कान में ये बालियां, मतलब जो भी हिंदुओं के कर्म कांड वगैरह हैं, सुबह उठ के ये करो वो करो। मैंने कहा भैया हमें माफ करो, वो जानबूझकर आपको ऐसा बनाएंगे। इसी तरीके से इस्लाम के अंदर भी दाढ़ी रखो, पजामा ऊंचा पहनो, कुर्ता लंबा पहनो, टोपी रख पहना करो। असलियत में सिद्धांत क्या है ना तो इस पंडित को पता, ना इस उलेमा वर्ग को पता, पता भी है तो वो उस चीज के अंदर कहानियों को ऐसा उलझा देंगे कि खुद ही कंफ्यूज रहेंगे। ये प्रीस्टली क्लास है, पुजारी वर्ग है, वो पुजारी वर्ग चाहे चर्च का फादर हुआ, वो सिर्फ पानी के अंदर डुबकी लगा के जय मसीह की बुलवा के आगे बढ़ा देता है। और ये लोग सिंबलाइज करते हैं, महिलाओं को बुरका पहनना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पुरानी जो बीबी फातिमा और सभी थे वो बुरका पहनते थे, इनको भी बुरका पहनाओ, घर की महिलाओं को बुरका पहनाओ, मर्द दाढ़ी रखेंगे, मूछे नहीं रखेंगे, मर्द ऊंचा पजामा पहनेंगे, इस तरीके से खाना खाएंगे, इस तरीके से पानी पिएंगे, इस तरीके से सोएंगे। और यहां तक कि ये अकेले इनमें नहीं, ये जितना भी पुजारी वर्ग है लोगों के बेडरूम के अंदर घुसकर उनको यहां तक की एंगल तक बताने की कोशिश करता है कि इस तरीके से अगर सेक्स किया जाए तो बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी,
इस दिन इस तरीके से ऐसे संभोग किया जाएगा तो बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, मतलब साइकिक। और हो भी तो यार हु द हेल आर यू जो मिसगाइड कर रहे हो कि बेटा की लालसा तो तुमने पैदा कर दी कि स्वर्ग तो बेटा ही उतारेगा, अगर बेटियां हैं तो वो कहां से स्वर्ग उतारेंगी। और ये दुनिया के हर धर्म में है। अब समस्या को समझिए, इन्होंने सिंबलाइज कर दिया, अंतर बता दिया। इसने कहा साड़ी पहनो, तिलक लगाओ, भगवा रंग, जनेऊ पहनो, धोती पहनो या जो भी है। इसने कह दिया दाढ़ी रखो, मूछ मत रखो। उसके बाद मजे की बात, मेरे को एक नाई पूछता है कि भाई साहब यहां कौन सी, वो जो दाढ़ी के अंदर दाढ़ी रखनी है, ये कल पता नहीं कुछ इसका वर्ड रखा कि ये रखनी है या नहीं रखनी। मैंने कहा इससे क्या होता है, नहीं भाई साहब ये हिंदू रखते हैं और ये मुस्लिम्स नहीं रखते। ये भी गजब है भाई कि दाढ़ी के अंदर भी हिंदू मुसलमान हो गया कि मैं रखूंगा ऐसे रहा तो दाढ़ी हो जाएगी, नहीं तो मेरी फोटो आप जो देखते हैं उसके अंदर में कितना ने ऑब्जेक्शन किया हुआ है कि ये तो मुस्लिम दाढ़ी रखी जाती है, ये नहीं रखनी आपने, आप ब्राह्मण हो, पंडित हो। क्योंकि मेरे को जो सजेशन देने वाले वो खुद मूर्ख हैं। अब आप सोच कर देखिए यार, यहां पर इन्होंने क्या क्रिएट किया, उन्होंने धर्म को, धर्म के सिद्धांतों को तो किसी को बताया नहीं, उन्होंने संस्कृति जो थी, कल्चर जो था, उस कल्चर के अंदर अलग अलग संस्कृति डिवाइड कर दी। वरना एक मुस्लिम फैमिली के अंदर जो शादी होती है उसमें, और एक हिंदू फैमिली जो होती है उसमें, शादी को अगर आप देखेंगे तो अग्नि के साथ फेरे इधर और जो निकाहनामा लिखा जाता है वो उस उधर, दोनों को अगर देख लिया जाए हिंदू और मुसलमानों में, दोनों ग्रुप्स में, तो इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी रस्में हिंदू मुसलमानों की सेम है, क्योंकि वो कल्चर का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है कल्चर। अब इन्होंने क्या किया, इन पुजारी वर्गों ने हमारा कल्चर अलग कर दिया। अब नॉर्मली अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, कुछ ने साड़ी पहन रखी है, कुछ ने बुर्का पहन रखा है, तो साड़ी और बुर्के वाले को देख के ही पता लग जाएगा कि एक हिंदू है एक मुसलमान है। उस सिंबल, उस जो संकेत हैं, उनको जो पहन रखा है उससे डर भय पैदा कर दिया गया अंतर पैदा करने के बाद। वरना हमारी संस्कृति एक है भाई, इस चीज को समझिए। और इसी के बिहाफ पर बेंगलोर मैसूर यूनिवर्सिटी का शायद मामला है, मैं एग्जैक्टली डेट याद नहीं कर पा रहा, उस मैसूर यूनिवर्सिटी के अंदर, या कौन सी बेंगलोर यूनिवर्सिटी थी या मैसूर यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर स्टूडेंट्स के बीच में डिवाइड कैसे की क्रिएट किया गया कि एक ग्रुप कहता है कि प्रिंसिपल ने कहा कि सब जो हैं वो धार्मिक सिग्नल, क्या नाम है, बुर्का वगैरह नहीं पहन के आएंगे, क्योंकि बुर्का पहनने से क्या होता है कि चेकिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम आती है। अब एक कहता है बुर्का पहनना हमारा राइट है, बुर्का संस्कृति का हिस्सा है, अब बुर्का पहनना राइट है, एक ग्रुप खड़ा हो गया ठीक है जी बुर्का पहन के आएंगे, तो उसके अगेंस्ट दूसरा ग्रुप खड़ा होकर कहता है फिर तो महिलाओं के, हमारे यहां महिलाओं की चुन्नी कैसे उतरवाई जा सकती है और भगवा चुन्नी पहन के आएंगे। पूरी यूनिवर्सिटी दो पार्ट्स में डिवाइड होती हुई नजर आई, क्लासरूम के अंदर कुछ लड़कियां बुर्का और कुछ लड़कियां भगवा चुन्नी पहन के आई, और लड़के जो हैं वो भगवा दुपट्टा पहन के आ रहे हैं साफा। अरे वहां तो फिर एक छोटा सा पटाखा भी फूटेगा तो वो वर्ड वॉर करवा देगा उस यूनिवर्सिटी के अंदर, सिर्फ किसमें, इस सिंबल्स में। और किसने उस बुर्के को धर्म का हिस्सा बनाया, इन धर्मगुरुओं ने। किसने उस गेर हुए दुपट्टे को धर्म का हिस्सा बनवाया, उस धर्म गुरु ने। हां, इन धर्म गुरुओं ने कपड़े पहना के हमें बांट दिया और उसके बाद दुश्मनी पैदा हो गई, यानी वहां एक छोटी सी चिंगारी लगेगी और पूरी यूनिवर्सिटी एक दूसरे को मार काट रही होगी और बुरी तरह मार काट रही होगी। टारगेट बनेंगे और टारगेट बनते हैं। लड़का कई बार लड़की की ड्रेस को देख के चेक कर वो उसको पंगे ले रहा होता है कि ये हिंदू होगी तो पंगे ले या ये मुसलमान है तो पंगे ले। यस, इस लेवल पर इन पॉलिटिशियंस और इन धर्म गुरुओं ने हमारे समाज को बांट दिया है, क्योंकि धर्म तो बचा ही नहीं ना, धर्म तो कपड़ों में अटक के रह गया, धर्म तो कपड़ों में, दाढ़ी में, टोपी में, साड़ी में, बुरके में, इनमें अटक के रह गया है, दुपट्टे में और रंगों में, लाल रंग और हरा रंग। मजे की बात है, लाल रंग भगवा रंग और हरा रंग,
खतरनाक और उससे ज्यादा निकम्मा पॉलिटिशियन कोई नहीं जो नाम कह रहा है कि भगवा टेररिज्म। यस, कांग्रेस का वो जो शायद सुशील कुमार शिंदे था, शायद कौन ऐसा था, हमारे गृहमंत्री रहे थे उस टाइम पर, कहते हैं भगवा टेररिज्म। यू आर गिविंग अ कलर, अ नेम टू टेररिज्म, मतलब कलर को टेररिज्म बता रहे हो, पूरे धर्म को टेररिज्म बता रहे हो। यस, सैफरन टेररिज्म। तो पॉलिटिशियन, इस पॉलिटिशियन ने सोसाइटी को डिवाइड किया गजब लेवल पर, और जिस तरीके से अंतर क्रिएट किया गया ये पूरी सोसाइटी। और आज के दिन क्या है, अब जहां पर भी इलेक्शन आते हैं, जहां पर भी इलेक्शन आते हैं, अब आप समझिए मामला क्या है, यहां इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन आते ही सारे पॉलिटिशियन अपने आप को किसी ना किसी रंग में एक अलग तरीके की ड्रेस पहनकर घूम रहे होते हैं। ड्रेस पहनकर कैसे घूम रहे हैं, ड्रेस पहनकर केजरीवाल, इसने जीवन में कभी नमाज ना पढ़ी हो, ठीक है, और मैंने एक फोटो देखी कि हामिद अंसारी से लेकर बाकी जो जेन्युइन मुसलमान हैं, जो मुस्लिम लीडर हैं, मुस्लिम फैमिलीज में पैदा हुए हैं, उन्होंने टोपी नहीं पहन रखी, और उन्होंने टोपी और साफा पहन के आराम से ऐसे करके फोटो खिंचवा रही हैं। सिंबोलिज्म, प्रतीक, क्योंकि उन्हें पता है कि एक सोसाइटी के अंदर डर दिखा रहे हैं और हम अपने आप को उसका रक्षक घोषित कर रहे हैं, बीजेपी आ जाएगी तो वो जो डर है, बल्क में वोट मिलता है। यस, बल्क में वोट मिलता है। सोचकर देखिए, इंडिया के अंदर एक बंदा जो पॉलिटिकल इलेक्शंस में सिर्फ कैंपेन करता है, कैंपेन को मैनेज करता है, प्रशांत किशोर। यस, प्रशांत किशोर जानबूझकर अपना एक मैसेज लीक करता है कि दलित और ओबीसी जो पश्चिम बंगाल के अंदर हैं, जानबूझकर हुआ था ये, कि वो एक साथ बीजेपी को वोट करने वाले हैं। नतीजा क्या, उसका रिएक्शन क्या, कि बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी आएगी, मारेगी, भगा देगी, CAA, NRC। नतीजा क्या हुआ कि बल्क में वोट, सोचकर देखिए, डर पैदा करके वोट लिया गया, डर पैदा करके वोट लिया गया। डरा हुआ इंसान ज्यादा आक्रामक होता है। यस, डरा हुआ इंसान आक्रामक होता है, डरा हुआ इंसान हिंसक ज्यादा होगा, ये फैक्ट है। अपने दिल से पूछकर देखिए, अपनी जान की रक्षा पे आए तो एक बिल्ली, एक चूहा भी आपको घायल करके जा सकता है, वो तो तुम पूरी कम्युनिटी को डरा रहे हो। यहां तक कि यूपी के अंदर इलेक्शन है, मुलायम सिंह यादव अब तो बोल नहीं पाते, वरना मैं जब से अब इनके कैंपेन्स को सुनता हूं, हमेशा इस पूरी समाजवादी पार्टी की दो स्टेप्स हमेशा दिखाई देंगे, AMU में जाकर टोपी पहन के नमाज पढ़ते हुए, और दूसरा मुलायम सिंह यादव हमेशा एक बात इलेक्शन से पहले कहते हैं, याद है ना, मैंने मुसलमानों की रक्षा के लिए 85 साधु मरवाए थे। यस, 85 कोसी यात्रा के अंदर 80-90 साधुओं की पुलिस फायरिंग में हत्या हो गई थी। यस, दावा करते हैं, ये डर दिखाते हैं, डर, डर किस चीज का, हिंदू आ जाएगा। नतीजा क्या, नतीजा फिर वही आता है कि छुट भैये टाइप के नेता, जिनको कोई कुत्ते जितनी उनकी घर तक में कदर नहीं होगी, ये छुट भैये टाइप के नेता टीवी पे आके कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। यस, यही 2% के ओवैसी ब्रदर्स जो 2 सीट प्रॉपर लेके नहीं आ पाते, अपने घर की सीटें अक्सर हारते हुए नजर आते हैं, वो कहते हैं ताजमहल और कुतुब मीनार लेके जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है पॉलिटिशियंस ने हिंदू और मुसलमानों को डर दिखा रखा है। आप हर हिंदू के फोन के ऊपर ऐसा मैसेज जरूर पढ़ेंगे कि 2024 में आखिरी बार भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम हिंदू बनेगा, 2029 के इलेक्शन के अंदर, कई बार तो 30 लिखा हुआ होता है,
24 के बाद सीधा 30 में इलेक्शन के एक मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा। 2050 में हिंदुओं की पॉपुलेशन 40% रह जाएगी, फिर आपको कोई नया देश ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तान में तो आप रह नहीं पाएंगे। ये आपके व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं डराने वाले, और दूसरी तरफ मुस्लिम्स में भी एग्जैक्टली ऐसे ही मैसेज चल रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार आ चुकी है और ये जो बीजेपी सरकार है CAA NRC लाकर हर मुसलमान को कैंप्स में डालेगी, कि वो क्या नाम है कंसंट्रेशन कैंप्स में डालेगी और उसके बाद बाहर फेंक देगी, तुम्हें हिंदुस्तान से भगा देगी। कितने ऐसे लोग हैं मेरे से फ़ोन करके पूछ रहे थे यार हमें भगा देंगे क्या, हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा तेरे जाने से पहले मैं जाऊँगा। सीधी सी बात यह है, CAA NRC का डर ऐसा बिठाया गया कि भैया तेरे जान, उन सबको मैंने कहा भैया तुम्हारे जाने से पहले मैं जाऊंगा कहीं जाना होगा तो, और इस्लाम स्वीकार करके जाऊंगा अगर किसी को भगाने की कोशिश की गई तो। यही देश के अंदर एक डर का माहौल, डिविजिव पॉलिटिक्स ने आम जनता को इतना डरा दिया कि ग्राउंड लेवल पर दोनों पक्ष एक दूसरे से डरे हुए हैं। और दोनों भाई ये तो इलेक्शन जीत के एक को दे दिया फ्री बिजली पानी, दूसरे को बोल दिया शाहीन बाग और इलेक्शन जीत कर ले गए, एक को बोल दिया मतलब कि आप लोगों के लिए जाति के नाम पर यादव और दूसरे के नाम पर मुसलमानों को डरा के वोट ले लिया, चीफ मिनिस्टर बन गए और हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी। एक ने हिंदू मुसलमान कर लिया, राम मंदिर का मुद्दा दे दिया और बन गई सरकार देश में और राज्यों में। सोच कर देखिए यहां मामला क्या है। इधर अगर आप मामले को देखें तो ये पॉलिटिशियंस तो हमारे आम जनता के दिलों में जहर भर के निकल लेते हैं, हम लोग फंस जाते हैं, आम जनता उसके दिल में वो जहर बचा रह जाता है और वो जहर पहलू खान, अखलाक अहमद और उसके बाद वो जो अंसारी मारा गया था वो, और जय श्री राम के नारे पर, और केवल मुसलमान मरता है ऐसा किसने कह दिया, ऐसा किसने कह दिया कि केवल मुसलमान मरता है। डॉक्टर पंकज नारंग से लेकर, भारत यादव से लेकर, कासगंज के अंदर वो जो लड़का अंकित गुप्ता मारा गया था उससे लेकर, इनको क्यों नहीं बोलते। इस ओवैसी के मुंह में उस टाइम जब दही कैसे जम जाती है जब वो हिंदू लोग मारे जाते हैं मॉब लिंचिंग के लिए। लिंचिंग लिंचिंग है, उसमें धर्म कहां से आ गया। मॉब लिंचिंग है, उसमें धर्म कहां से आ गया मुझे बताइए। मॉब लिंचिंग का कोई धर्म ही नहीं है। मॉब वो है जो एक धर्म के नाम पर डरी हुई है दूसरे धर्म से, और दोनों धर्म एक दूसरे को दुश्मन मान रहे हैं, दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं। और कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके देश के समाज के लोग एक दूसरे से डरे हुए हों और एक दूसरे को दुश्मन मानते हों। एक दूसरे के मोहल्ले में घर नहीं ले सकते, ये लोग रहना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की दुकानों से सामान लेने के नाम पर बहिष्कार करने का बात करते हैं कि बहिष्कार करो। यस, और बहुत से इसमें दोनों ही आ जाते हैं, थूकते हुए लोग दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ बहिष्कार करते हुए लोग दिखाई देते हैं। लव जिहाद का मामला सर आंखों पर है भाई। अगर एक लड़का, लव जिहाद क्या है, अगर एक लड़का अपना असली नाम छुपाकर नकली नाम, अब मुस्लिम लड़का अपना असली नाम छुपाकर हिंदू नाम रख के या कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सोनू मोनू टाइप का नाम रख के हाथ पे कलावा बांध के एक लड़की को टारगेट करता है, उससे शादी करता है और उसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है, तो ये लव जिहाद की डेफिनेशन गढ़ी गई। और ये मामले हैं तभी कुछ बना। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एक लड़का उस लड़की को दुश्मन धर्म की इज्जत सोचकर उस पर टारगेट कर रहा है। तो दुश्मन दोनों तरफ से हैं, दुश्मन दोनों तरफ से हैं, दुश्मनी दोनों तरफ से, जहर दोनों तरफ से भरा हुआ है और समाज बटा हुआ है। मजे की बात यह है, इस समाज को यूनाइट करने का बीड़ा किसने उठाया। अब आप यहां पर आरएसएस के ऊपर आएंगे, आप कहेंगे इतने लंबे भाषण के बाद आरएसएस में आए हैं। भैया टीचर हूं, जब तक टॉपिक की गहराई में नहीं जाऊंगा मैं समझा ही नहीं सकता। टॉपिक की गहराई में जाने के बाद समझाना जरूरी है। यहां आरएसएस के मोहन भागवत जी जो हैं, इनकी बहुत बढ़िया पॉलिसी नजर आई। इन्होंने इस सिंपल सी बात को समझा कि समाज में
अगर आप लोगों को अंतर दिखाते हो, उनको बताते हो कि हम अलग हैं, तो वो अलग रहेंगे, वो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारेंगे, काटेंगे, मॉब लिंचिंग होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर उसी समाज को उन लोगों के बीच में कॉमन चीजों पर डिस्कस करना शुरू कर दो, कॉमन चीजों पर डिस्कस करना शुरू कर दो कि हमारे पुरखे एक थे, आवर एंसेस्टर्स वर कॉमन, हमारे पुरखे समान थे, हमारा डीएनए एक जैसा है, हमारा कल्चर एक जैसा है, पूजा पद्धति बदली, संस्कृति नहीं बदली, पूजा पद्धति भले ही बदल गई, संस्कृति नहीं बदली। तो पूजा पद्धति बदल गई कोई बात नहीं, संस्कृति वही है, पुरखे समान हैं, सब समान हैं, तो डिफरेंस कैसा? हम लोग तो रहते ही ऐसे देश के अंदर हैं जहां एक से ज्यादा तरीके के बातचीत या एक से ज्यादा तरीके के सिद्धांतों को मानने वाले लोग पहले से रहते हैं। अब हिंदू परिवारों के अंदर जो मैं अपने परिवार में अगर बताऊं तो हमारे परिवार में जितने मेंबर हैं सबका अलग अलग विचार है। यस, सबका अलग अलग विचार है, सब अलग अलग देवी देवताओं को पूज रहे हैं। भाई मैं हनुमान मंदिर जा रहा हूँ, मेरी माता खाटू श्याम जी को पूजती है, मेरी वाइफ जो है वो शेरा वाली माता की अगर पूजा कर रही है, छोटा भाई जो है वो पूजा करता ही नहीं है, और उससे उसकी जो वाइफ है वो जो है वो दुर्गा माँ की पूजा करती हैं, अब बच्चे जो है उनका भी अलग अलग विचार है। तो जब एक परिवार में रहकर हम एक की पूजा नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में हमें रहना ही परिवार से आ गया है कि हाँ सब एक जैसे हैं, कोई समस्या नहीं है, डिफरेंसेस में भी यूनिटी एस्टेब्लिश की जा सकती है। और ऐसे में क्यों एक है? क्योंकि परिवार एक है, खून एक है। अब यही खून एक अगर ये पूरी की पूरी इंडियन कम्युनिटी को समझा दिया जाए, और जो मैसेज टॉप मोस्ट लेवल पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने दिया, उस मैसेज को ग्राउंड लेवल पर उतार दिया जाए और यह समझा दिया जाए कि भले ही तुम कोई भी पूजा पद्धति अपना रहे हो, भले ही तुम नमाज पढ़ रहे हो, नमाज भी एक तरीके की पूजा पद्धति है, उसे अपना रहे हो, हमारा खून एक है, सब चीजें एक है, संस्कृति एक है, तो ऐसे में डिफरेंसेस कम होंगे, और डिफरेंसेस कम होने के बाद वो जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो छोटी छोटी बातों के अंदर, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो सामाजिक मतभेद हैं वो छोटी छोटी बातों के अंदर रायट्स का रूप नहीं लेंगे, और कहीं ना कहीं वो नेगोशिएशन का रूप लेंगे, एक तरीके से वार्ता का रूप लेकर आराम से निपटाए जा सकते हैं। सोशल हार्मनी बनेगी, सोशल हार्मनी बनेगी, समरसता बनेगी, और वो सामाजिक समरसता तभी बनेगी जब हम कॉमन ग्राउंड एस्टेब्लिश करेंगे। यही मोहन भागवत जी का प्रयास है कि हम इन लोगों को बताया जाए कि भैया राम को इमाम ए हिंद माना जाए, ताकि इमाम ए हिंद माना जाए, ताकि राम कॉमन ग्राउंड में एस्टेब्लिश हो जाए, हम सबके पुरखे मान लिए जाए कि इमाम ए हिंद हैं। यस, और मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने भी कहा था इमाम हिंद है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर राम को कॉमन मान लिया जाए, और सिर्फ इतना डिफरेंस कि तुम मूर्ति पूजा में भरोसा कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, बाकी सब चीजें कॉमन हैं, और रही बात गौ माता के पीछे का जो एक लॉजिक है वो समझ लिया जाए कि इससे जो दूध मिलता है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, और जो नॉन वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन तो मांस खाते हैं, जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत ये गाय का दूध ही है, अगर ये गाय का दूध ना हो तो हमारे जो वेजिटेरियन हैं उनके पास प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए कुछ नहीं है। और बड़ा दिल दिखाते हुए दुनिया के अरबों खरबों प्रजातियां हैं, करोड़ों जानवर हैं, उनको मार मार के खा लो, एक को छोड़ दो, एक जानवर को छोड़ने में क्या बुराई है, बड़ा दिल दिखाते हुए। तो अगर ये कॉमन ग्राउंड एस्टेब्लिश करने में आरएसएस कामयाब हो गई तो सोशल हार्मनी और डिविजिव सोशल हार्मनी एस्टेब्लिश होगी, सामाजिक समरसता स्थापित होगी, और ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स करने वाले जितने भी हैं, ये सारे पॉलिटिशियंस बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, लेकिन अगर आप इन डेप्थ उतर कर देखेंगे तो भारत में हिंदू मुसलमान को बांटने का सबसे पहला प्रयास
कांग्रेस ने किया था जब इंदिरा गांधी अपने इलेक्शन कैंपेन को इमरजेंसी के बाद 80 के कैंपेन के अंदर अपने इलेक्शन कैंपेन को जामा मस्जिद से शुरू करती हैं। इमाम बुखारी के दरबार में जाकर वोट जाती हैं, उनसे बातचीत करती हैं और मजे की बात इमाम बुखारी कहते हैं कि इंदिरा गांधी हमारे रक्षक हैं और सब चीजें। और उसके बाद जब राजीव गांधी अपना इलेक्शन कैंपेन 1989 वाला अयोध्या से शुरू करते हैं, डिविजिव पॉलिटिक्स ही है। सायराबानो शाहबानो केस जो है, उस शाहबानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरीके से बदला गया, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, और जिस तरीके से अयोध्या के जो मंदिर हैं, मस्जिद मंदिर जो भी है, उसके दरवाजे खुलवाए गए, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी। किसने किया उस टाइम पर? तो बीजेपी का कोई नामो निशान तक नहीं था ना, वो तो दो सीटों में थी और बीजेपी के ऊपर आरोप ये लगता हुआ, राजीव गांधी ने खुद ही खड़े होकर कहा था हम दो हमारे दो, तो कहां थी वो बीजेपी? और रही बात मुलायम सिंह, रही बात लालू प्रसाद, इनसे ज्यादा डिविजिव पॉलिटिक्स करने वाला कौन होगा? जब आप हिंदू समाज को ही या देश के अंदर जाति के नाम पर वोट मांगना शुरू कर देते तो वो भी बंटवारे की राजनीति होती है। एक धर्म के नाम पे बांट रहा है जिसपे तुम आरोप लगा रहे हो, तो तुम जात के नाम पे बांट रहे हो। यस, डिविजिव पॉलिटिक्स ये क्या कम है? असलियत में सोच कर देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ विभाजनकारी जो राजनीति है ये सभी दलों के अंदर है, बस अपने दाग छिपाकर दूसरे पे आरोप चीख चीख के लगाए गए हैं। अब आरएसएस इस चाल को आगे बढ़ा रही है क्योंकि ये पावर में है और इस टाइम पर ये पूरी सोसाइटी को एक यूनैनिमस सोसाइटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो बीड़ा उठाया है ये सच में काबिले तारीफ है। और अगर ये होल हार्टेडली यानी पूरे दिल के साथ ग्राउंड लेवल तक लागू होकर होने में कामयाब हो गया तो हिंदुस्तान सच में हिंदुस्तान बनता हुआ नजर आएगा। अब इसे चाल कहो, इसे नीति कहो या कुछ भी कहो, ये यही है। धन्यवाद।